Hello friends, welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. We had discussed the unit number 1 of social movement. Today we are going to discuss first topic of unit number 2, that's related to deprivation theory of social movements. Let's begin. जो relative deprivation theory है, ये एक condition है या state होती है जहाँ पे जो individuals होते हैं वो lack करते हैं actual resources मेंटेन करने के लिए लाइफ को. सो जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए वो लैक करते हैं वेरियस रिसोर्सेज लाइक डाइट या एक्टिविटीज़, लैक ऑफ मटेरियल पोजीशंस एट्सेट्रा. सो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स फेस करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन. सो मेनली इसका जो कंसेप्ट है वो बेस्ड अपॉन है लैक ऑफ रिसोर्सेज लाइक मनी, राइट, सोशल इक्वालिटी और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ. मेनली देन जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है ये राइज देते हैं सोशल मूवमेंट्स को, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट की अगर हम बात करें. सो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन द रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन और एब्सोल्यूट पुअर्टी. जो एब्सोल्यूट पुअर्टी और डेप्रिवेशन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है जो कि आकर होती है जब इनकम ऑफ इंडिविजुअल फॉल करती हैं बिलो द एडुकेट लेवल ऑफ इनकम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. वाइल जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है ये एक फीलिंग होती है इंडिविजुअल्स की जिसमें वो वर्स फील करते हैं अबाउट देयर ओन सेल्फ व्हेन दे कंपेयर देयर ओन सेल्फ विद एन एसोसिएट पीपल. सो इसीलिए हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके जो कोवर्कर हैं जो कि आपके साथ काम कर रहा है उसके पास एक वेल मतलब कार है. सो वाइल वो भी उतनी ही सैलरी लेता है जितनी आप लेते हैं तो उस समय आप मतलब अपने अंदर रिलेटिवली डेप्रिवेटेड फील करोगी. सो जो रिलेटिवली रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है इसको डिफाइन किया है बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स ने एज ये एक थ्योरी है या ये एक थ्योरी है रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ पीपल जो कि फील करते हैं डेप्रिवेड इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट्स, पॉलिटिकल वाइज स्टेटस एट्सेट्रा, जिसकी वजह से हमें सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं जिसमें जो पीपल होते हैं वो चाहते हैं कि वो उन थिंग्स को ऑब्टेन करें, हासिल करें. सो जिसकी वजह से वो फील डेप्रिवेड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिविल राइट्स मूवमेंट 1960 की जो कि स्टार्ट की बाय ब्लैक अमेरिकन्स जो कि एक स्ट्रगल थी गेन करने के लिए सोशल और लीगल इक्वालिटी. इसी तरह हमें गे पीपल की मूवमेंट भी देखने को मिली अबाउट द सेम सेक्स मैरिज इन ऑर्डर टू एक्वायर द लीगल स्टेटस एंड इक्वालिटी. सो बहुत सारे केसेस में जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है इसको टर्म किया जाता है एज ए फैक्टर ऑफ वेरियस इंसिडेंट्स लाइक राइटिंग, लूटिंग, टेररिज्म, सिविल वार्स. सो मेनली जो ग्रीवेंसेस होती हैं लोगों की वो ये होती हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज जिसकी वजह से फिर वो सोशल मूवमेंट्स एस्टेब्लिश करते हैं. सो अगर हम रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी की हिस्ट्री की बात करें जो कंसेप्ट हैं डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन की रिगार्डिंग ये एसोसिएट करता है विद वर्क ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मेर्टन. वो अपनी स्टडी में लिखते हैं जो भी अमेरिकन सोल्जर्स हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू जिसमें वो फील करते थे लेस सेटिस्फाइड विद द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन, जिसकी वजह से फिर हमें सोशल मूवमेंट्स देखने को मिली. सो इसी तरह जो फर्स्ट फॉर्मल डेफिनेशन है रिलेटिव डेप्रिवेशन की वो दी है ब्रिटिश स्टेट्समैन और सोशियोलॉजिस्ट ने वाल्टर रुंचीमैन. वो लिस्ट करता है फोर रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द रिलेटिव डेप्रिवेशन. फर्स्ट वो कहते हैं कि एक पर्सन जिसके पास कुछ भी नहीं है. सेकंड मतलब जो पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो जानता है कि बाकी लोगों के पास कुछ ना कुछ तो है. थर्ड वो अचीव करना चाहते हैं वही थिंग्स. फोर्थ जो पर्सन होता है वो बिलीव करता है कि उसके पास फ्यूचर में चांसेस आ सकते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. वो आल्सो कंसेप्ट देते हैं अबाउट द इगोइस्टिक एंड फैटरनलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन. उसके अकॉर्डिंग जो इगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन है ये कंसेप्ट है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फील करते हैं अनफेयर ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जो कि फील करता है
उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू हिज़ कोवर्कर। जो उसका कोवर्कर होता है वो रिलेटिवली डिप्रिव्ड फील करता है उस समय, वाइल जो फैटर्निस्टिक रिलेटिव डिप्रिवेशन है ये एसोसिएटेड है विद मेसिव ग्रुप सोशल मूवमेंट्स लाइक सिविल राइट्स मूवमेंट्स। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैटर्नल डिप्रिवेशन कि जो है वो है जब मिडिल क्लास फील करते हैं जेलियस और एनवी दिखाते हैं अबाउट द अदर मिडिल क्लास पीपल हु हैड द लग्जरी कार्स और डिज़ाइनर क्लोथस। सो इसी तरह जो रुंची मैन है वो कहते हैं कि जो फैटर्नल डेप्रिवेशन है वो अफेक्ट करता है वोटिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स के। अनदर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द रिलेटिव डेप्रिवेशन वो डेवलप किया है बाई अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ पोलिटिकल साइंस टेड रॉबर्ट कोर इन 1970। वो डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन को अपनी बुक में वाई मैन रिपल, जिसमें वो कहते हैं कि जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है ये इंटरकनेक्टेड है विद द पोलिटिकल वायलेंस। सो वो एक्सप्लेन करता है विद द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन या फीलिंग ऑफ पीपल, जिसकी वजह से हमें मेन ह्यूमन वायलेंसेस के काज देखने को मिलते हैं, वाइल सम फ्रस्ट्रेशन जो होती हैं लोगों की जिनकी वजह से हमें वायलेंस नहीं देखने को मिलती है। सो इसी तरह जो गूर हैं वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो फील करते हैं रिलेटिवली डेप्रिव्ड सो दैट दे कैन अल्टीमेटली काज टू द एंगर वायलेंस और इवन सोशल मूवमेंट्स। एट कंक्लूजन हम मेंशन करेंगे कि जो डेप्रिवेशन थ्योरी है ये एक स्टेट या कंडीशन है लोगों की जिसमें वो फील करते हैं डेप्रिवेटेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंडिविजुअल्स हैं जो कि लैक कर रहे हैं कम्फर्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अल्टीमेटली राइज देते हैं टू द सोशल मूवमेंट्स सो दैट देयर कंडीशन शुड बी इम्प्रूवड। सो टू सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हमें रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी के अंदर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जब पीपल फील करते हैं डेप्रिव्ड ऑल द टाइम जिसकी वजह से हमें सोशल मूवमेंट्स फिर देखने को मिलती हैं। सेकंड जो रीज़न बिहाइंड है थ्योरी ऑफ सोशल डेप्रिवेशन ये एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ सर्कुलर जिसकी वजह से हमें सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। हियर ये जो डेप्रिवेशन है ये मेन काज होता है या एविडेंस होता है फॉर द सोशल मूवमेंट। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।